गाइस आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है, यानी वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 की, क्योंकि हम इससे पहले प्रैक्टिस सेट 3 तक लगा चुके हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा, हमारा रिवीजन और उससे बेटर हो सकेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, भोजन में विषाक्तता उत्पन्न होती है। विषाक्तता यानी आपका विषाक्तता यानी होता है उसमें विषाक्त यानी आपका पाइजन की स्थिति होना। तो भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो आपके सामने जो दे रखे हैं विकल्प वो देखिए, ए कह रहा है आपका है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, आपका है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, आपका है साल्मोनेला टाइफेसिस द्वारा, आपका है बेसिलस एंथेसिस द्वारा। तो जो ए का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी, आपका है क्लोस्ट्रीडियम आपका बेटुलिन द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, विषाणु माने जाते हैं, तो विषाणु क्या माने जाते हैं यह बताना है। तो आपका यहाँ पे देखिए कौन सा है, सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच एक आग ट्रांजेशनियल ग्रुप, और सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो आपका दो का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा सी रहेगा, यानी सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजेशनियल ग्रुप। नेक्स्ट चलते हैं, वृपी रंग योजना का प्रकार नहीं है। पूरक योजन, दोहरी रंग योजना, अखंडित रंग योजना, चतुर्थ रंग योजना। तो यहाँ पे आपका थ्री का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या है, प्रकार नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब हो गया दोहरी रंग योजना। नेक्स्ट चलते हैं, दोहरी रंग योजना कंकाल तंतु को सुडोल एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। तो ये एक बार और हम पढ़ चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, तो एक और बार आ चुका है कि कंकाल तंतु को कौन सुडोलता तथा सुंदरता प्रदान करता है। तो वो हमारा राइट जो आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कंकाल तंतु, दूसरा कह रहा है पेशी तंत्र, तीसरा कह रहा है आपका परसंचरण तंत्र, चौथा कह रहा है पाचन तंत्र। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा फोर का वो रहेगा फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर रहेगा फोर्थ का वो रहेगा हमारा बी, यानी पेशी तंत्र। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर का कौन सा अंग आपका फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन देखिए, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, आंत्र। तो आपका कौन सा तंत्र, कौन सा पार्ट है जो क्या करता है आपका फाइब्रिनोजन, याद रखना फाइबर, याद रखना फाइबर, होम साइंस में फाइबर आप पढ़ चुके हैं, तो फाइबर याद रखना, फाइबर क्या करता है नामक प्रोटीन उत्पन्न करता है, तो वो हमारा है यकृत। यकृत से क्या निकलता है, फाइब्रिनोजन निकलता है। नेक्स्ट चलते हैं, भोजन में विद्यमान ऊर्जा के मापन की इकाई है। तो जो भोजन है उसका कौन है, औस है, किलोग्राम है, कैलोरी है और लीटर है। तो भोजन को हम किस में मापते हैं ऊर्जा को, तो हमारी ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है, तो 20 औस, 40 औस, 70 औस और 10 औस। तो जो आपका आंसर होगा इसमें वो हमारा रहेगा यहाँ पे 40 औस। मानव शरीर में यकृत द्वारा, याद रखिएगा अभी हमने यह पढ़ा था यकृत क्या करता है, आपका फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है मानव शरीर में। अब यकृत के द्वारा पित्त तैयार किया जाता है 40 औस। शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है, हथेली, तलुए, चेहरे और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो चेहरा है वो सबसे ज़्यादा पतली त्वचा से बना होता है। कुत्ते के काटने पर जिस जीवाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है मक्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, चेचक। तो जब कुत्ता खा जाए तो कौन सा रोग हो जाता है ये आपको बताना है। तो हमारा है कुत्ता के खाने से हाइड्रोफोलिया, यानी पानी से जिसको डर लगता है वो है हमारा हाइड्रोफोलिया। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, तो यानी वायरस की खोज करने वाला कौन था, तो जो आपका है स्टॉकमैन, इवानोवस्की, आपका स्टेनले, उसमें तो जो थे वो थे इवानोवस्की। इन्होंने क्या करा था, आपके वायरस की खोज की थी, यानी विषाणु की खोज की थी। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है पुटीन अथवा मोम का, लकड़ी का, बुरादा का, आपका है फेविकॉल का और लाख का। तो आपका 10 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है हमारा लकड़ी के बुरादे का। इससे हम क्या करते हैं, फर्नीचर की दरारें भरते हैं। नेक्स्ट देखिए,
कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं पेंसिल, खड़िया, मिल्टन चौक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 11 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा मिल्टन चौक। कटाई के निशान इसी से लगाते हैं। सिलाई किट यानी बॉक्स में निम्नलिखित में से वस्तु नहीं रखी जा सकती है, फीता, कैंची, सिलाई मशीन, आपका मिल्टन चौक। तो यहाँ पे जो 12 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपकी, ये पूछा है किट में क्या नहीं रखा जाता है, तो सिलाई मशीन नहीं रखी जा सकती। मलेरिया रोग में शरीर का ताप यानी ज्वर हो जाता है, आपका 98.8 फेराराइट, आपका 102 फेरानाइट तक हो जाता है, 105 अंश फेरानाइट तक हो जाता है, 180 आपका डिग्री फेरानाइट तक हो जाता है। तो मलेरिया में आपके शरीर का ताप कितना हो जाता है, तो 110 से डिग्री फेरानाइट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है, तो ऐसा कौन सी अवस्था है जब बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, तो वह हमारी शैशवावस्था, जिसे अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, केवल और केवल घर के जो मेंबर होते हैं उनके ही अनुकरण को करते हुए अपने क्रिया को आगे बढ़ाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना 1980 में, 1990 में, 1976 में, 1961 में। तो आपका जो 15 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1990 में। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों के स्थायी दांत कब निकलने लगते हैं, 2 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में और 8 वर्ष की उम्र में। तो जो 16 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 8 वर्ष की उम्र में स्थायी दांत। और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, याद रखना। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं आसपास की वायु, जल, स्थल और इनमें से सभी। तो हमारा जो 17 का राइट आंसर है वो हमारा है इनमें से सभी, ये सभी पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण यानी परिधन आवरण, यानी जो कुछ हमारे आसपास है वो सब क्या है, पर्यावरण है। भराई यानी फीलिंग, सूत उतारता है, आवरण रेप सूत के ऊपर, इसमें सादी बुनाई आपकी है, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई, बुनावट। तो आपका 18 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, आपका है ट्विल बुनाई। बाटिक धारित है इस किसके सिद्धांत पर, आपका है पिगमेंट के पे, प्रतिरोध प्रिंटिंग पर, आपका है डिस्चार्ज प्रिंटिंग पर, रोलर प्रिंटिंग पर। तो जो बाटिक जो होती है आपकी प्रिंटिंग, वो किस पर आधारित है, तो वो हमारी है डिस्चार्ज प्रिंटिंग पर, जो उसका सिद्धांत है। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है किसके द्वारा, गीली कताई, सूखी कताई, द्रवित कताई और तेल युक्त कताई। तो जो भी इसका राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सूखी कताई। सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता था, लेडीज इरविन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मानव भारती कॉलेज, लाला लाजपत राय कॉलेज। तो आपका लिख कि इसका राइट आंसर जो रहेगा वो था आपका लेडीज इरविन कॉलेज। गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार, 8 प्रकार, 9 प्रकार और 10 प्रकार। तो आपका 22 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है कि किण्वन, ये याद रखना, ये आपके सिलेबस में शब्द भी है बच्चों के वाले जो पार्ट है आपका वृद्धि और विकास के अंदर। किण्वन बढ़ता है प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वसा की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा को। तो आपको बताना है 23 की जो राइट आंसर है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, किण्वन बढ़ाता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, चेचक, यक्षमा, मलेरिया और हैजा। तो इसमें कौन आपका है जो विषाणु के कारण होता है, तो 24 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है चेचक, यानी चेचक क्या है, विषाणु जनित रोग है। खसरा यानी निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल। तो यानी खसरा किसके कारण होता है, तो वो हमारा है विषाणु के कारण क्या होता है, खसरा होता है। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, तो आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब लागू की गई थी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कब लागू की गई थी। तो वो थी यहाँ पे देखिए 1947, 1951, 1948, 1952। तो आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो लागू की गई थी 1951। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय
भारतीय परिवार नियोजन संस्थान का गठन हुआ था 1959 में, 1952 में, 1961 में, 1964 में। तो जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 1952 में, 27 का है 1952 में, यानी बी आंसर। धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? अतिसार, कैंसर, बुखार और टिटनेस। तो जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनसे किसकी संभावना अधिक होती है? तो वो हमारी कैंसर की संभावना अधिक होती है। बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? मोतियाबिंद, काला पानी, भी भहंगापन और दूरदर्शिता। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा है मोतियाबिंद हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक लेयर जम जाती है आँखों पे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, कस्बा में, जिलों में। तो आपका बताना है इसमें क्या आंसर रहेगा, यानी 30 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो हमारा वो रहेगा प्रत्येक नगर में। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है, आपका है माइलोबैक्टीरियम स्टेफिलोकस, आपका है लोटोबैसिलस और खमीर। तो आपको 31 का राइट आंसर बताना है, वो हमारा है लैक्टोबैसिलस। यकृत का मुख्य कार्य होता है पित्त का संग्रह, अग्नाशय, श्राव बनाना, पित्त का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? वो हमारा है पित्त का निर्माण। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है, तो जो ग्रसनी है उसके बाद भोजन जाता है अमाशय में, आपका है अग्रणी में, आपका है क्षुद्रांध्र में, आपका है बड़ी आंत में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस में जाता है अमाशय के ग्रसनी के बाद जो भोजन है, तो वो ग्रसनी के बाद जो भोजन जाता है वो जाता है हमारा अमाशय में, स्टोमच में। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले कीड़ यानी एंजाइम का नाम है, आपका है लाइपेज, रेनिन, टाइलिन और पेप्सिन। तो स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है? तो वो हमारा है टाइलिन एंजाइम, ये स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लखनऊ की चिकन कढ़ाई में किन कांटों का प्रयोग किया जाता है? ये बताना है आपको, तो वह है चमड़ा, दूसरा बी है आपका गांठ वाला, तीसरा है आपका जालीदार, चौथा है उपयुक्त सभी। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा उपयुक्त सभी। धागा निर्माण की अवस्था नहीं है छटाई, आपकी कार्डिंग, आपका है कम्बिंग, आपका है कम्बिंग, आपका है कॉम्बिंग और आपका है ड्राइंग आउट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं धागा निर्माण की अवस्था नहीं है। तो जो धागा निर्माण की अवस्था नहीं है वो हमारी कौन सी अवस्था है? राइट आंसर आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे, तो वो अवस्था हमारी है कौन सी? वो हमारी छटाई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडाणु का उत्पादन करता है, तो कौन अंडाणु का उत्पादन करता है? क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। अंडाणुओं का उत्पादन करता है अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी और योनि। तो आपका 37 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा अंडाशय, यानी याद रखिएगा अंडाणु अंडाशय। आपका है संवातन, ये हर बार पूछा जा रहा है क्योंकि संवातन आपके सिलेबस में है। तो संवातन के लिए आवश्यक है कमरों में खिड़कियों, दरवाजों व वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या हो, कमरा बड़ा होना चाहे होना, आसपास पेड़ का होना उपयुक्त सभी। तो आपको बताते हैं कि 38 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। सौर ऊर्जा प्रदूषित आप करती है, यानी जल को, वायु को, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है सौर को। तो सौर ऊर्जा प्रदूषित करती है, तो 39 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, क्योंकि सोलर सिस्टम से आज हम सब चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। क्लोरोफ्लोरो मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है ओजोन परत को, जल को, सौर को और रेफ्रिजरेटर को। तो आपका 40 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ओजोन परत को, क्या है आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है वो हानि पहुंचाता। अगर कहा जाए कि ये निकलता कहाँ से, तो आपके रेफ्रिजरेटर से, आपके एसी से,
इन सब से ये इसका निष्कासन होता है यानी इसका निकलना होता है। सबसे प्रदूषित महानगर है तो आपका 41 का जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है, सबसे प्रदूषित महानगर है हमारा दिल्ली। भ्रूण को माता से क्या क्या पदार्थ प्राप्त होते हैं, भोजन, जल, वायु, उनमें से सभी। तो आपको बताना है कि क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो इनमें से सभी। आपका बंधता के लिए जिम्मेदार हो सकता है केवल पुरुष, केवल स्त्री, के स्त्री तथा पुरुष दोनों, स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक। तो आपका 43 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक। अगर एक करवा लेता है तो फिर प्रेगनेंसी वाला जो आपका रहता है वो बंद हो जाता है। गर्भधारण के समय निर्धारित होने वाली स्थिति नहीं है। वातावरण, वंशानुक्रम, योनि निर्धारण, बालकों की संख्या। तो गर्भधारण के समय हम क्या निर्धारित नहीं कर सकते, तो वो हमारा है वातावरण। 44 का जो राइट आंसर है वो हमारा है वातावरण। मसालों का प्रयोग किस मात्रा में करना लाभदायक है, तो कम, सीमित, अथक, कोई सीमा नहीं है। तो आपका जो 45 का राइट आंसर है वो हमारा सीमित। भोजन को सुगंध प्रदान करने वाला मसाला है तेजपत्ता, कश्मीरी मिर्च, आपका है रतन जोत और हल्दी। तो आपका 46 का जो राइट आंसर है वो हमारा है तेजपत्ता। ये क्या करता है, सुगंध प्रदान करता है। मादक पेय पदार्थों का प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है 47 का, तो वो हमारा तंत्रिका तंत्र पर, परिसंचरण तंत्र पर, मांसपेशियों पर, उपयुक्त सभी पर। तो मादक प्रभाव का प्रभाव कहाँ पड़ता है, उपयुक्त सभी पर। सूती वस्त्र तैयार होता है भेड़ों से, कपास से, रासायनिक पदार्थों से, रेशम कीड़ों से। तो आपका 48 का जो राइट आंसर है वो हमारा है कपास से। कपास क्या है, आपका मैचिंग आपका किंग है, याद रखना। कपास क्या है, रेशों का राजा है। स्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है 49 का, तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मलेरिया फैलता है मक्खी से, कुत्ते के काटने से, मादा एनफिलिज मच्छर के काटने से, नर एनफिलिज मच्छर के काटने से। तो जो 50 का राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी, यानी मादा एनफिलिज मच्छर के काटने से होता है। मुख श्वसन अंग को कौन सा है, नाक, हृदय, कंठ और फेफड़े। तो कौन सा है मुख श्वसन अंग, तो वो हमारा है फेफड़े। दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है, लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन। तो आपका 52 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा कैल्शियम। सामाजिकरण आरंभ होता है घर में, पड़ोस में, विद्यालय में, देश में। आरंभ की पूछ रहा है तो आरंभ होता है घर से, घर ही बच्चे के लिए पहला सामाजिक और पहली पाठशाला होती है, याद रखना। ICDS भारत में कब आरंभ हुआ था, तो आपका 1975, 1985, 1988 यानी 88 और 1978। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका 54 का, तो वो रहेगा 1975। जूट एक रासायनिक रेशा है, ताने का रेशा है, कोई का रेशा है, उपयुक्त सभी है। तो जूट क्या है, हमारा ताने का रेशा है। आपका है शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर है प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो अगर बात करें कौन सा सबसे अच्छा उपयुक्त है इसमें, तो आपका 56 का जो रहेगा वो रहेगा हमारा प्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं। संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र, 5, 6 और 7। अगर बात की जाए कि कितने क्षेत्र हैं गृह विज्ञान के, तो वो हमारे हैं 5 क्षेत्र। आपका निषेचन की क्रिया होती है गर्भाशय में, अमाशय में, अंडवाहिनियों में, योनि में। तो आपको 58 का आंसर बताना है वो हमारा अंडवाहिनियों में निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नमूने के सिद्धांत हैं 4, 3, 2, 5। तो 59 का जो राइट आंसर है वो हमारा है 5। निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है, मॉडल, फोटोग्राफी, फ्लैक्स कार्ड और स्लाइड। तो कौन सी प्रक्षेपी नहीं है, तो वो हमारी है फ्लैक्स कार्ड, बाकी सभी प्रक्षेपी हैं।
आपका है रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, धमनियां, सिराएं, नलिकाएं और नर्वस, तो क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो 61 का जो राइट आंसर है वो हमारा धमनियां, जो रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं उन्हें धमनियां कहते हैं। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत, नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमें बताना है, यानी वो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सी। आपका 62 का राइट आंसर है वो हमारा सी, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का आरंभ भारत में हुआ था 1953 में, 1921 में, 1947 में, 1975 में, तो कब हुआ था? तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1953 में। नेक्स्ट चलते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्रसार कार्य डॉट डॉट सेवा का अर्थ है नगर का, देश का, गांव का और जन समुदाय का। आज हम प्रसार शिक्षा पर एक वीडियो लाएंगे, उसमें कंटेंट के साथ साथ हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को भी रखेंगे जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रसार कार्य है डॉट डॉट सेवा का अर्थ है, तो आपका 64 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा फ्रेंड्स सी। आपका है मध्यिका का सूत्र होता है, तो जो मध्यिका है आपको पता ही है n+1/2, यानी ये 65 का जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा सी। मध्यिका का अनुग्रुप डाटा का जो सूत्र है वो यही होता है। कोशिका सार में कितना भाग पानी का होता है, तो 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1 भाग और 2/4 भाग, तो आपका 66 का जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा 1/3 भाग। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो उस ग्रंथि को हाइपोथैलमस को, मेलेमस को, आपका है माइराइंड ग्रंथि को। आपको पता है मास्टर ऑफ आपका 67 का है, इसमें कहा है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आपका 67 का जो राइट आंसर है वो हमारा हाइपोथैलेमस को, जबकि मास्टर ग्रंथि कहा किसको जाता है, पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता हुआ हमारे हाइपोथैलेमस को। आपका कशेरुक दंड की लंबाई होती है, तो आपका 86 का जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं 68 के, तो वो क्या है 68 सेंटीमीटर, 71 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा वो आप देखिए, वो रहेगा 71 सेंटीमीटर। मृदुला सेठ ने गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र बताए हैं, तो आपको बताना है 69 का जो राइट आंसर है वो हमारा है 3। मृदुला सेठ ने गृह विज्ञान के 3 क्षेत्र बताए हैं। संचार विधियों के कितने भागों में बांटा गया है, तो 70 का जो राइट आंसर है वो हमारा है ए, यानी इन 2 भागों में बांटा गया है। किस पुरुष ने सर्वप्रथम PhD की उपाधि गृह विज्ञान में प्राप्त की थी, तो वह हैं डॉक्टर राजपथ प्रसाद, डॉक्टर KN चंद्रशेखर, डॉक्टर नागेश्वर, डॉक्टर अनिल। तो 71 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डॉक्टर KN आपके चंद्रशेखर। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसार शिक्षण के चरणों में मूल्यांकन किया जाता है, सबसे पहले, प्रत्येक चरणों में, अंत में और सभी कभी नहीं। तो जब मूल्यांकन की बात आती है तो कब होता है, तो वो हमारा होता है अंत में। गृह विज्ञान को अमेरिका में कहा जाता है गृह विज्ञान, घरेलू विज्ञान, गृह अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और सभी। तो 73 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे सी, यानी गृह अर्थशास्त्र। आपका मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो जो मूर्ख बालक हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है, 78 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए, यानी 50 से 70 के बीच। 74 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 50 से 70 के बीच। नेक्स्ट चलते हैं, बालक द्वारा अपने मुख से नाखून काटने का मुख्य कारण है तनाव, क्रोध, भय और असुरक्षा। तो आपका 75 का जो राइट आंसर रहता है वो हमारा है तनाव, ये तनाव को दर्शाता है। इन्फोएंटोमीटर है बालक की लंबाई मापन यंत्र, भार मापन यंत्र, संवेग मापन यंत्र और मापक यंत्र। तो आपका 76 का जो राइट आंसर रहेगा वो है बालक की लंबाई मापक यंत्र। नेक्स्ट चलते हैं, संवेगात्मक समस्यात्मक व्यवहार है चोरी करना, चित करना, गंदी भाषा बोलना, नाखून काटना। तो आपका 73 का जो राइट
73 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा जिद करना। यौन अवस्था को विभाजित किया गया है 5 अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में, 2 अवस्थाओं में। तो 78 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 2 अवस्थाओं में। पाथवी चार्ट किससे संबंधित है? सुई और धागा, पेन पेंसिल, पेन और सुई, पेन और धागा। तो जो पाथवी चार्ट है 79 का वो आपको पता ही है कि किससे संबंधित है, वो हमारा पेन पेंसिल से। गुणसूत्रों के 22 जोड़ी को कहते हैं ऑटोसोम्स, आपका है ब्लास्टोसिस्ट, आपका है जायगोट, आपका है डीएनए। तो जो आपके 22 जोड़े होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो आपका जो 22 जोड़े हैं उन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स। बाटिक उदाहरण है आपका जिन आपका है आपका विरंजन छपाई का, प्रत्येक छपाई का, अवरोध छपाई का, आपका है ड्यूप्लेक्स छपाई का। तो 81 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स सी, यानी अवरोधक छपाई का। बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आप बताना है बालवाड़ी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो वह हमारा 82 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी 1970 से 71 वर्ष। कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्भस्थ जो शिशु होता है उसमें संग्रहित होता है तो वो विटामिन है हमारा विटामिन ए, राइट आंसर है सी। मरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, ऊर्जा, लोह तत्व, प्रोटीन और ऊर्जा। तो आपका मरास्मस जो रोग है वो किसकी कमी से होता है आप सबको पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो हमारा प्रोटीन और प्लस ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा दे रखा है तो हम ऊर्जा भी रख लेंगे। अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है गुणसूत्र, जीन, डीएनए और आपका है जायगोट। तो मूलभूत इकाई कौन सी रखी गई ही है? तो वो हमारी है जीन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई हम पढ़ चुके हैं 85 का, तो कौन सी है हमारी? वो हमारी बी, यानी जीन, जिनसे ही किसी व्यक्ति में अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जाते हैं। ICDS भारत में कब आरंभ हुआ था? बात हो रही है भारत की, तो भारत में कब आरंभ हुआ था ये आपको बताना है। तो 86 का जो राइट आंसर रहेगा वो हम 1975 में। श्वासावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व आपका है निगलना और उपरोक्त सभी। तो श्वासावस्था का क्या है समायोजन सबसे उपयुक्त? तो हमारा है वो हमारा उपयुक्त सभी। कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? तो आपका 88 का जो रहेगा आपका है BCG का टीका, जन्म के प्रथम माह में लगवा लेना चाहिए। शरीर का संतुलन नियंत्रण होता है प्रमस्तिष्क द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा, आपका सुषुम्ना शीर्ष द्वारा और मेरुरज्जु द्वारा। तो आपका 89 का जो राइट आंसर रहेगा वो है अनुमस्तिष्क द्वारा। एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है शिक्षा सिद्धांतों पर, उद्देश्यों पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो 90 का राइट आंसर रहता है वो हमारा है दोनों पर, शिक्षा सिद्धांतों पर और उद्देश्यों पर। नेक्स्ट चलते हैं। हवा में O2 यानी ऑक्सीजन का अंश है, तो हवा में ऑक्सीजन कितनी है आपको ये बताना है। तो हमारा 91 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमें बताना, वो है 65.5% है, 70.4% है, 78.5% है या 20.5% है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 20.5% है। वायु वाहन के कृत्रिम साधन है खिड़की, चिमनी, रोशनदान, उपयुक्त सभी। तो आपको राइट आंसर जो बताना है वो हमारा है राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी के द्वारा वायु जाती है। पानी को शुद्ध करने की विधि होती है उबालना, आपका क्लोरीन मिलाना, छानना, उपयुक्त सभी। तो पानी को शुद्ध हम कैसे कर सकते हैं? तो आपका 93 का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी। रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं भोजन से, हवा से, त्वचा से, उपयुक्त सभी थे। तो आपका 94 का जो राइट आंसर है वो रहेगा उपयुक्त सभी से। मानव शरीर का रक्षक है लाल रक्त कण,
प्लेट आपका है प्लेटलेट्स, त्वचा और श्वास, तो मानव शरीर का संरक्षक पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है मानव शरीर का रक्षक कौन है, तो वो हमारी है त्वचा, क्योंकि ये पूरे शरीर पर हमारे पर फैली हुई होती है। शरीर के नवीन तंतु का निर्माण करता है कार्बोज, प्रोटीन, भसा और कैल्शियम। तो 96 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है प्रोटीन। क्या करती है? शरीर में टूट फूट तथा नई उत्कों का निर्माण करती है या नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है लोहा, जस्ता, तांबा और पोटेशियम। तो 97 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा क्या आवश्यक है? लोहा। मूत्र तैयार होता है क्लोरीन, आपका है फास्फोरस, प्रोटीन पदार्थों से, कार्बोज से। तो 98 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो मूत्र तैयार होता है 98 का, तो वो है प्रोटीन पदार्थों से। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन तैयार होता है यकृत से, जठर से, अग्नाशय से, तो आपका है स्वादुपित्त से। तो यहाँ पे 99 का जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा अग्नाशय से। मूत्र की तैयारी निर्भर करती है आपका ऋतुमान पर, परिस्थिति पर, पेय पदार्थों पर, उपयुक्त सभी पर, करती है तो वो हमारा है उपयुक्त सभी पर। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? तो देखना, सुनना, सूंघना और सभी। तो कौन सी इंद्रियां सबसे अधिक कम विकसित होती हैं? तो वो हमारा राइट जो आंसर रहेगा वो 101 का क्या रहेगा? सी, यानी सूंघना। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, आपका है आपका एड्रिनल ग्रंथि को। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? आपका थायराइड ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, आपका है लिम्फेटिक ग्रंथि को, आपका है प्यूटरी ग्रंथि को। तो मास्टर आपकी ग्लैंड किसे कहते हैं? तो 102 का जो राष्ट्र अंतर है वो हमारा प्यूटरी ग्रंथि को। नेशनल दे विटामिन डी शरीर में कहाँ तैयार होता है? रक्त में, त्वचा में, हड्डियों में, जठर में। तो आपको बताना है कि विटामिन डी कहाँ तैयार होता है? तो वो हमारी त्वचा ऑब्जर्व करती है। त्वचा पर निर्भर के केस से संवेदक बाहर आता है, आपका है उष्णता नियंत्रण होती है। त्वचा पर बालों से ये पूछा जा रहा है, और इस पर ज्ञान होता है, त्वचा का संरक्षण होता है। तो आपका एक जो 104 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा जो रहेगा वो हमारा त्वचा के संरक्षण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मस्तिष्क से कितनी नाड़ी तंतु की जोड़ियां बाहर आती हैं? तो वो हमारी कितनी आती हैं? तो 105 का जो आती हैं वो हमारी आती है 12। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन, आपका है लाइबोफ्लोविन, आपका है ग्लाइकोडिन, आपका है कोलेस्ट्रॉल। तो आपका 106 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा थायमिन। नेक्स्ट चलते हैं, कुशल गृह कार्य के संपादन हेतु गृहिणी को अपनाना चाहिए कार्य संबंधी आवश्यक ज्ञान, कार्य योजना, उचित साधनों का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो 97 का जो राइट आंसर रहेगा, यानी आपका 107 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। घर की सजावट में अत्यधिक महत्व सुंदर वस्तुएं, सुव्यवस्थित सुव्यवस्था का, फूल का और रंग संगीत का। तो आपको इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सुव्यवस्था का, क्योंकि सुव्यवस्थित चीज़ अपने आप में अच्छी लगती हैं। फ्रिज का उपयोग किया जाता है सजावट के लिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, आधुनिकता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी, यानी खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है खेल और मनोरंजन, विद्या और विद्यालय शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, उपयुक्त सभी। तो क्या आवश्यक है ये पूछा जा रहा है इसमें, तो आपको राइट आंसर बताना है वो हमारा है डी, उपयुक्त सभी। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है खेल और मनोरंजन, विद्यालय शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो है हमारी 1945, 1946, 1947, 1948। तो स्वतंत्रता के ठीक एक साल बाद, यानी 1948। पारिवारिक बजट असफल होने का कारण है आय का गलत अनुमान, व्यय का गलत अनुमान।
यानी कब ये असफल होता है ये बताना है। तो कब होता है, आय का गलत अनुमान, व्यय का गलत अनुमान, और क्या है इसमें, आय और व्यय का गलत अनुमान से हो जाता है। और हमारा नेक्स्ट देखिए ऑप्शन क्या क्या है, बचत एवं विनियोग का अभाव, उपयुक्त सभी। तो हमारा बाल इसका जो राइट आंसर रहेगा 112 का वो रहेगा उपयुक्त सभी। कपड़े खरीदते समय ध्यान देना आवश्यक है, आय पर, रंग पर, शरीर की बनावट पर, उपयुक्त सभी पर। तो कपड़े खरीदते समय हमें क्या करना है, उपयुक्त सभी पर ध्यान देना है। श्वास मार्ग के पर्दे को कहते हैं, आपका है लैरिंग्स, आपका है फेरिंग्स, आपका है एपी ग्लोटिंग्स, आपका है विंड पाइप। तो जो जो पाए वो है आपका श्वास मार्ग के पर्दे, तो उनको कहते हैं हम एपी ग्लोटिस। आपका राइट आंसर है 114 का सी, विंड पाइप दूसरी चीज़ होते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है अशुद्ध रक्त, रक्त का लाल पदार्थ, ऑक्सीजन युक्त रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 115 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है ऑक्सीजन युक्त रक्त। आपका श्वास उच्छ्वास की क्रिया प्रति मिनट होती है। तो आपका 116 का जो राइट आंसर है वो हमारा है 16 से 18 बार पर प्रति मिनट। रक्त का कार्य है शरीर को O2 पहुंचाना, शरीर को उष्णता पहुंचाना, शरीर को रक्षण करना, उपयुक्त सभी। तो आपका जो रक्त का कार्य है वो हमारा उपयुक्त सभी। हृदय में विभाग होते हैं 3, 4, 5 और 6। तो आपका 118 का राइट आंसर है वो हमारा है 4, क्योंकि जो हृदय होता है इस तरह का, उसमें क्या होता है, इस तरह से बटा होता है, 4 होते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार धड़कता है। जन्म से 2 सप्ताह तक का समय जाना जाता है। शैशवावस्था, नवजात और बाल्यावस्था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें नवजात अवस्था, क्योंकि 2 सप्ताह तक बच्चा नवजात ही माना जाता है। टॉप आपसे हमने टॉप क्वेश्चनों को लिया तथा 1 प्रतिशत पूरा किया, जो 4 था। आई होप आपको इसके क्वेश्चन काफ़ी बेहतर और अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के और भी हम प्रतिशत कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा तथा होम साइंस से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।